हेलो एवरीवन, आज हम दो तरह के पास्ता बनाएंगे। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बना लेंगे, जिसका कि यूज़ हम दोनों ही पास्ता में करेंगे। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच अनसॉल्टेड बटर लिया है और 2 चम्मच मैदा लिया है, जिसको कि हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो मैदा है, हमें उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 या फिर 2 मिनट तक ही इसे एकदम स्लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। बस इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हमें नहीं करना है, थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वही हमें निकालना है। और इसको हमें कॉन्स्टेंटली इस तरह से हिलाते रहना है, वरना जो मैदा है वो हमारे पैन में चिपक जाएगा। तो देखिए, इस तरह से अब देखिए हमारा जो मैदा है वो रेडी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो मिल्क है वो मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ आप मिल्क इसमें मिला देंगे तो फिर इसमें लम्स हो जाएंगे और हमें जैसी कंसिस्टेंसी हमारे व्हाइट सॉस की चाहिए ऐसे हमें नहीं मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध मिलाइए और इसको इस तरह से मिक्स करते रहिए। ये जो व्हाइट सॉस है वो बहुत जल्दी बन जाता है, और अगर आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे तभी अभी 1 वीक तक बिगड़ता नहीं है। और जो पास्ता है वो मैंने पहले से ही पका लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर पास्ता है वो रेडी कर लिया है। तो देखिए, ये हमारा जो व्हाइट सॉस है वो अभी बनकर रेडी है। हम अब इसमें हमारा जो मिल्क है वो मिला देंगे। इस तरह का क्रीमी पास्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो अब हम मैंने इसमें थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी भी इसमें मिला सकते हैं, अगर आपको स्वीट टेस्ट पसंद हो तो। इसमें मैंने अब क्रीम चीज़ है वो डाल दिया है, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला है, थोड़ा सा पास्ता सॉस डाल दिया है इसमें मैंने, और ये जो मैगी मसाला पाउडर आता है वो इसमें मैंने मिक्स किया है। अगर आपके पास पास्ता का मसाला पाउडर हो तो वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वाइट कलर का ही सॉस चाहिए तो इसमें आप टोमेटो केचप ना मिलाइए, इसे अवॉइड कीजिए। तो देखिए, ये हमारा जो सॉस है वो बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसमें पास्ता मिला देंगे। तो हमने पास्ता में पहले से ही थोड़ा सा नमक तो डाला ही है, तो अभी अगर आपको ज़रूरत हो तो नमक इसमें डालिए, वरना हमने जो मैगी का मसाला मिलाया है उसमें तो पहले से ही नमक है ही, तो मोस्टली आपको अभी इसमें कुछ और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए, ये जो हमारा पास्ता है वो देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है, और ये फटाफट बन जाता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए, ये रेडी है हमारे पास्ता। तो चलिए, अब हम बनाते हैं वेजिटेबल मसाला पास्ता। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच बटर लिया है और इसमें मैंने 1 प्याज है वो काट कर डाल दी है। ये जो वेजिटेबल्स है उसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। तो आप देखिए, अभी हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे। कैप्सिकम जब थोड़ा सा पक जाए तो इसके अंदर हम हमारी जो छोटी छोटी काटी हुई कैबेज है वो भी हम डाल देंगे। अगर आपके पास मटर हो, ब्रोकली हो या और कोई भी वेजिटेबल्स हो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें भी मैंने जो मैगी मसाला का पाउडर है वो मिला दिया है अच्छी तरह से। आप चाहें तो कोई भी मसाला इसमें मिला सकते हैं, कोई भी मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो हमारा व्हाइट सॉस बचा था वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने ये जो पास्ता का सॉस आता है वो डाला है, थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी है, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमारा मसाला रेडी है, हम इसमें जो पास्ता है वो डाल देंगे। और मोस्टली आपको जब मतलब इसे खाना हो तो गरम गरम ही इसमें पास्ता डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा, वरना थोड़ा सूखा सूखा लगेगा। तो इस तरह से पहले आप जो मसाला है वो रेडी कर दीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए गरम गरम। तो देखिए, ये जो हमारा पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है, इसे मैंने धनिया और टोमेटो केचप से सजा दिया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं हम अगली बार। बाय बाय।